हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम इविज्ञानी जॉर्ज इन। सो अब हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंट्स का, जिसका नाम है ईश्वर द स्टोरी टेलर। सोचती है यहाँ पे हमें नेम है स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर का क्या मतलब है? एक ऐसा बंदा या ऐसा इंसान जो आपको स्टोरी सुनाता है। तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो ईश्वर के बारे में, जो की स्टोरी सुनाता है। उसकी खासियत ये है कि वो स्टोरीज को इस तरह से सुनाता है कि बहुत ही सरप्राइज और सस्पेंस क्रिएट करके वो स्टोरी सुनाता है। तो जो लिसनर होता है उसको स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता है। तो यहाँ पे आप बताते हैं कि जो ईश्वरन है वो महिंद्रा को स्टोरी सुनाता है। महिंद्रा के बारे में बताया गया कि वो एक जूनियर सुपरवाइजर है एंड वो उसको कुछ कुछ टाइम बाद उसकी जगह शिफ्ट करते रहते हैं, अलग अलग साइट्स पे भेजते रहते हैं काम के लिए। और ये जो महिंद्रा है उसके लिए ईश्वर ने एसेट की तरह, एसेट होते जैसे बोलते ना, ये बहुत कीमती चीज है, तो ऐसे ही उसके लिए वो बहुत कीमती चीज है। उसका रीजन ये भी है कि उसको काम के लिए जहां भी भेजा जाता है तो वो अपने साथ ईश्वरन को लेके जाता है। वो उसके खाना बनाने से लेके कपड़े धोने, सफाई करना, ये सभी काम ईश्वरन महिंद्रा के लिए कर देता है और उसके एंटरटेनमेंट के लिए उसको स्टोरीज भी सुनाते हैं। तो इसीलिए महिंद्रा जहां भी जाता है वो ईश्वरन को अपने साथ ही लेके जाता है। और ईश्वरन की खूबी ये भी है कि अगर उसे किसी भी जगह पे ले जाओ आप, अगर वहां पे सब्जियां अवेलेबल भी नहीं है तो वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई डिश बना देता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। ठीक है, तो वो बताती है कि वो हर जगह अपने साथ उसको लेके जाता है। और जब जो हमारा महिंद्रा है वो चला जाता है काम पे, तो पीछे से ईश्वरन घर की पूरी सफाई कर देता है, कपड़े वपड़े धोने वो धो लेता है और फिर नहा धो के खाना वाना खा के वो एक चेयर पे बैठ जाता है आराम से और एक तमिल की वो बुक रीड करता है। अभी तमिल की जो नॉवल की तरह है जो बुक होती है वो कम से कम 100 पेजेस की होती है। अब आपको पता है कि जो बुक्स में हम जैसे कोई भी नॉवल है अगर आपने कभी पढ़ी है तो आपको पता है स्टोरीज को बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव बना के लिखा जाता है या बहुत ही बड़ा चढ़ा के चीजें लिखी जाती है। तो जिस तरह से ईश्वरन वो पढ़ता था उसी तरह से वो जो अपनी स्टोरी सुनाता था उसमें भी वो जो सस्पेंस एलिमेंट है या एंडिंग कैसे करनी है तो वो थोड़ा थोड़ा सा उससे मिलता जुलता था कि जैसा वो पढ़ता था वैसे ही वो बताता था। वैसा नहीं है कि वो तमिल की स्टोरी सुनाता था, बट कोई भी अगर किस्सा भी सुना रहे, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर उसे छोटा सा किस्सा बताने कि वो रास्ते में गया, उसे वहां पे एक पेड़ टूटा हुआ मिला, तो वो सिंपल नहीं बताएगा कि मैं वहां गया और पेड़ टूटा, तो उसको वो बना चढ़ा के बताएगा कि एक बार एक सुनसान रास्ता था, मैं वहां से जा रहा था और मैंने क्या देखा, एक बड़ा सा दानव अपने हाथों को फैला के सड़क पे पड़ा हुआ है, मैं बहुत घबरा गया, लेकिन जब मैंने हिम्मत करी और आगे बढ़ के देखा तो वो दानव नहीं था, वो तो एक बहुत बड़ा सा पेड़ था और उसके हाथ नहीं उसकी ब्रांचेस निकल रही थी। तो वो इतनी छोटी सी बात को भी इस तरह से बड़ा चढ़ा के या उसको बहुत ही सरप्राइजिंग वे में बताता था। तो ये उसकी खूबी थी कि वो स्टोरीज को भी इसी तरह से बताता था और महिंद्रा उसकी स्टोरीज को बहुत ज्यादा इंजॉय करता था। तो नेक्स्ट अब वो एक बार की कहानी बताता है जिसमें वो अपने बताता है कि जहां से मैं आता हूं ना वहां पे वो जो गांव है या वो जगह है वो टिम्बर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। टिम्बर बेसिकली एक लकड़ी होती है, तो वो बताता है कि वहां पे जो लकड़ियां आती हैं उनको हाथियों की मदद से लाया जाता है। तो वो उसके वहां से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंस बताता है कि एक बार ऐसा हुआ कि उस झुंड में से एक जो हाथी है वो पागल हो गया, ये जैसे होते ना कभी कभी इधर उधर घूमने लग गया, तो उसने क्या किया, रास्ते में जितने फ्रूट स्टॉल्स थे उसको उड़ाता हुआ बहुत ही नुकसान करता हुआ आ जाता है शहर की तरफ से। और फिर कहता है कि वो एक स्कूल ग्राउंड में घुस जाता है, तो स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं जितने भी बच्चे हैं वो सब स्कूल की छत पे चले जाते हैं। अब फिर वो बताता है कि मैं भी वहां पे था, मैं भी छत से सब देख रहा था, अब सब इतना हक्का बक्का और के, तो बेसिकली वो ऐसे बता रहे कि ये मेरी ही कहानी है, मैं ही स्कूल में था और मेरे सामने ये सब चीजें हुई। तो कहता है कि जितने भी टीचर्स हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब हिप्नोटाइज होकर खड़े होकर देख रहे थे कि कैसे वो जो हाथी है वो इतना नुकसान कर रहा है, लेकिन किसी में भी कुछ भी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके कुछ कर पाते। तो बोलते हैं मैं हिम्मत करके सीढ़ियों से नीचे पहुंच गया और ग्राउंड पे पहुंचा तो वो हाथी मुझे बहुत ही गुस्से में देख रहा था, लेकिन पहले तो मैं डरा थोड़ा सा लेकिन मैं पीछे नहीं हटा और हिम्मत करके उसका सामना किया और फिर उसके पैर की जो तीसरी उंगली है उस पे मैंने देख के बहुत जोर से छड़ी मारी और वो जो हाथी था वो वहीं पे ही रुक गया, थम गया और वो घबरा गया
और वही खड़ा रहा। और फिर वो एकदम से कहते चलो मैं अब खाना लगा देता हूँ। अब जैसे ही वो ये बोलते तो जब वो जो कहानी सुन रहा है महेंद्र, तो वो सोचता है कि बीच में कहानी छोड़ के क्या जा रहा है। लेकिन वो भी उस स्टूडेंट की एक ट्रिक होती है कि जैसे मैं खाना बनाने गया बीच में छोड़ गया, तो जो सुनने वाला है उसके दिमाग में चलता रहेगा आगे क्या हुआ, इसका एंडिंग क्या है। तो वो चुपचाप जाके खाना लेने चला जाता है और खाना लेके आता है और आके भी ये नहीं स्टोरी कंटिन्यू करे, वो खाना परोसना स्टार्ट कर देता है। फिर उससे महेंद्र पूछता है अरे आगे तो बताओ स्टोरी में आगे क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो फिर वो वेट करता है कि सामने वाला ऐसे पूछे, वो इतना इन्वॉल्व हो जाए स्टोरी में, और फिर वो उसके बाद बताता है अरे उसके बाद तो कुछ नहीं, जानवरों का जो डॉक्टर है वो आया और उसने देखा कि वो बेहोश हो गया था हाथी, तो फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद जंगल में उसको फिर से ले गए। तो इस तरह से वो कुछ भी स्टोरीज को बताता है। अब इन स्टोरीज में कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है ये कहानियां किसी को नहीं पता, लेकिन महेंद्र को सुनने में बहुत मजा आता था, इसलिए वो कभी भी ईश्वर को क्रिटिसाइज भी नहीं करता था कि ये तो तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम बनावटी कहानियां सुना रहे हो। तो वो कभी उसको क्रिटिसाइज नहीं करता था और ये भी कहता था कि उसके लिए ईश्वरन तो एक उसको टीवी की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इतना टीवी से एंटरटेनमेंट मिलता है उतना एंटरटेन उसको ईश्वरन अपनी स्टोरी से कर देता है। तो इसी तरह से रोज कोई ना कोई रोमांचक स्टोरी वो उसको सुनाता रहता था। अब इसके बाद एक बार क्या होता है, वो उसको स्टोरी सुनाता है और वो बताता है कि आपको पता है जहां पे हम रहते हैं, उस स्टोरी की शुरुआत करता है कि जो फैक्ट्री साइड पे जहां पे हमें लाके रखा हुआ है ना, यहाँ पे पहले एक कब्रिस्तान था। अब जो वो महेंद्र सुन रहा हो तो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो ईश्वर अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है कि मुझे तो यहाँ आते ही पता चल गया था, रास्ते में मुझे यहाँ पे कंकाल दिखे थे, हड्डियां दिखी थी, तो मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये ऐसी ही भूतिया सी जगह है। तो फिर उसके बाद बोलता है कि और फिर मेरे को यकीन हो गया, एक बार मैंने देखा जब फुल मून नाइट होती है तो एक यहाँ पे भूतनी आती है, उसके हाथ में एक फीटस होता है, फीटस बेसिकली जो एक अनबॉर्न चाइल्ड होता है उसको बोला जाता है। तो वो बोलते हैं उसके हाथ में वो वीडियोस होते हैं, वो फुल मून की नाइट पे दिखती है, वो बहुत ही डरावनी है, ऐसे करके बताता है। जब महेंद्र ये कहानियां सुन रहा होता है तो वो डर जाता है और बीच में ही उसको रोक देता है। आज तक उसने ईश्वर को किसी कहानी में कुछ नहीं बोला, लेकिन एकदम से उठ के वो गुस्सा करने लग जाता है, क्या तुम कहानियां सुना रहे हो, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, और वो गुस्से में चला जाता है। अब वो तो चला जाता है, लेकिन बहुत दिन तक महेंद्र को नींद नहीं आती, वो उसके वो ही डरा रहता है, वो खिड़की से बाहर देखता रहता है पर उसे कभी भी ऐसा कुछ नहीं दिखता, बस उसे जो दूर फैक्ट्री में लाइट्स जल रही है वही दिखती है और उसके अलावा उसको ऐसा कुछ नहीं दिखता। पर वो सोचता है कि मैंने अब ईश्वरन पे इतना गुस्सा कर दिया तो अब जब मैं कल उठूंगा तो वो बहुत गुस्से में होगा या उसका मूड बहुत ऑफ होगा। लेकिन अगले दिन जब वो उठता है तो वो देखता है ईश्वरन वैसे ही जैसे रोज खुश होता है उसी तरह से खुश है, ब्रेकफास्ट वगैरह बना रहे और वो ऐसे ही ब्रेकफास्ट अपना करके लंच लेके ऑफिस चला जाता है। अब ऐसे ही 1-2 दिन बहुत दिन निकलते गए, वो रोज रात को बहुत ज्यादा डरता था और अभी तक फुल मून में क्या होता था उसको बड़ा अच्छा लगता था विंडो से बाहर देख के अपने नेचर एंजॉय करना, लेकिन अब फुल मून की नाइट में वो बहुत ज्यादा डर जाता था क्योंकि जो ईश्वर ने उसको स्टोरी सुनाई थी, जो इंसिडेंट सुनाया था उससे उसका माइंड में वही चीजें चलती रहती है। अब एक बार वही फुल मून की नाइट पे वो देखता है तो उसे लगता है कोई आवाज आ रही है, पहले तो वो सोचता है कि नहीं नहीं बिल्ली की आवाज होगी, फिर सोचता है नहीं बिल्ली की आवाज तो ऐसी नहीं हो सकती, तो वो विंडो से पूरा झुक के इधर उधर देखता है और उसे एक भूतनी सी दिखती है और वो बहुत ज्यादा डर के बेड पे लेट जाता है। फिर वो खुद को समझाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरी जो काल्पनिक है वही मुझे सबकॉन्शियस माइंड ही मुझे ये सब चीजें दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो नेक्स्ट डे अपना नॉर्मल होके ब्रेकफास्ट करने फिर से जाता है तो अब वो क्या करता है, ईश्वरन बोलता है साहब जी याद है मैंने उस दिन आपको कहानी सुनाई थी, आपने मुझे गुस्सा कर दिया था, अब तो कल आपने देख लिया आपको यकीन हो गया। अब उसके बाद उसकी बात कंप्लीट भी नहीं होती, महेंद्र इतना ज्यादा डर जाता है कि वो फटाफट से लंच उठाकर ऑफिस भाग जाता है और अगले दिन ही अपना वहां पे रिजाइन डाल देता है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, मुझे इस जगह पे नहीं रहना, और स्टोरी यहाँ पे हमारी एंड हो जाती है। ओके सो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 3 की स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आई होप आपको इसमें जो जो इंसिडेंट्स है वो समझ आ गए होंगे और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद सम न्यू स्टोरी, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।